सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हमारा थर्ड डे है गोवा में। आज हम लोग जा रहे हैं साउथ गोवा कवर करने। साउथ गोवा में हम बेसिकली दो बीचेस जाएंगे आज। पहला बीच हम जाएंगे काबो दे रामा। काबो दे रामा हमारे रिजॉर्ट से लगभग 77 किलोमीटर है, तो दो घंटे का रास्ता है। और उसके बाद हम जाएंगे कोलवा बीच। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, 36 डिग्री टेम्परेचर है। तो हम लोगों ने सोचा था कि आज दिन में ही निकलेंगे, जब शाम होने वाली होगी ना तो ऐसा होगी बीच जाते थे शाम हो जाए तब टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। तो हम लोग 3 बजे निकले अपने घर से यहाँ से। तो ये जो रेड लाइट है ना, इसके यहाँ से राइट लेंगे तो बिट्स पिलानी गोवा के लिए रास्ता जा रहा है। बिट्स पिलानी आपको पता ही है, जो मशहूर इंजीनियर्स निकलते हैं पिलानी से, वही है बिट्स पिलानी यहाँ पे। ये साउथ गोवा है। तो देखिए साउथ गोवा नॉर्थ गोवा में फर्क कितना है। साउथ गोवा की रोड्स बिल्कुल ही खाली है एज कम्पेयर टू हमारा नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा ज्यादा हैपनिंग है, साउथ गोवा में लोग बस थोड़ा पीस के लिए आते हैं। तो ये सुंदर सी रिवर पड़ती है बीच में काबो दे रामा जाते वक्त। ये जी यहाँ जी काबो दे रामा के लिए रोड जा रही है और सामने देखिए सी हमसे भी ऊपर दिख रहा है। तो ये है जी काबो दे रामा की पार्किंग, कहीं भी आप खड़ी कर सकते हैं, बहुत बड़ी पार्किंग है। अब आइए यहाँ से ब्यूटीफुल नज़ारा दिखेगा आपको। अच्छा लग रहा है, फॉरेन डेस्टिनेशन में आ गए कहीं पे। क्या अमेजिंग जगह है, आप व्यू चेक करो भाई। ओ भाई रेस्टोरेंट के लिए नीचे रास्ता है, ये स्टेयर्स जा रहे हैं यहाँ से। काबो दे रामा ना यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, कार से जाना है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आगे एक फोर्ट भी है तो देखते हैं, अगर टाइम भी लगा उसको भी कर लेंगे कवर। सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा है, अमेजिंग। ऐसी सेल्फी ना पूरे इंडिया में कहीं नहीं आ सकती जैसे यहाँ पे आ रही है। तो जी ये है काबो दे रामा, अमेजिंग बीच है भाई। ऐसा बीच इंडिया में नहीं हो सकता सीरियसली यार, हमने भी नहीं सोचा था। देखिए सामने कितनी अच्छी अच्छी क्लिप्स हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इस बीच के बारे में क्योंकि हिडन बीच है बिल्कुल ये काबो दे रामा। नीचे जाना है चल के पैदल। तो ये बीच का रास्ता है और नीचे वॉक करके जाना है, 100-200 मीटर नीचे वॉक करके जाना है। कोकोनट ट्रीज है यहाँ पे और सामने देखिए कायाकी हो रही है, कायाक भी है यहाँ पे। और वो भी इसकी भी चार्जेस पता करते हैं कितने का है। और ना यहाँ पे बिल्कुल भी ना रश नहीं है। 100 या 200 मीटर नीचे हम वॉक करके आएंगे, उसके बाद मिल जाएगा आपको बीच। पूरे बीच में 50 लोग होंगे बस। ये बोर्ड लगा हुआ है कायाकिंग अवेलेबल, जल्दी आओ ना दौड़ के आओ। तो ये हम लोग अंदर बैक वाटर है, रिवर वाटर है, फ्रेश वाटर है, मीठा पानी। तो हम इसमें पैदल पैदल जा रहे हैं आगे यार। ये हमारे कायाक, चलो भाई। और इसमें हम तीनों बैठेंगे। तो क्या बच्चे को मेरे पास, बच्चा इधर बैठो। अगर डूबे तो फोन तो मिल जाएगा ना पानी में। मम्मा डैडी बोटिंग कर रहे हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ। और पीछे व्यू देखिए, सारी फैमिली लोग एंजॉय कर रहे हैं। 300 रुपये का चार्जेस है, आधे घंटे के लिए मिलता है, कम्प्लीटली वर्थ इट है भाई। बहुत सुंदर है गोवा, मैंने भी इमेजिन नहीं करा था यार। अभी शिवानी का टर्न है, वो भी अलग अकेले जा रही, काइकिंग करने जा रही। गोवा में जून में सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद हो जाती है ऑलमोस्ट, तो हमें बस एक कायाकिंग ओपन थी यहाँ पे, वही देखना आया हम लोग। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी सीरियसली, 300 रुपये ऐसा लग रहा था बिल्कुल वर्थ हो गया। तो ये है बीच और ये भी बहुत सुंदर है, बताते हैं अभी, देखते हैं कैसा है। अभी एक्साइटमेंट में मैं अपनी चप्पल लाना ही भूल गया इतनी दूर से। और अभी जब हम यहाँ पे आए थे ना तब मैं पर्स लाना भूल गया था, फिर किसी दोस्त से मैंने गूगल पे करवाया क्योंकि मेरे इस फोन में गूगल पे एक्टिवेट नहीं है। देखो भैया फिशिंग करने जा रहे हैं,
फिशिंग कर रहे हो भैया? कौन सा फिश पकड़ते हो अभी? वहां से सनसेट होगा और देखिए कितना सुंदर एरिया है, सामने कोकोनट ट्रीज हैं और ऊपर देखिए क्लिफ में भी लोग खड़े हैं, वहां पर भी देख रहे हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वहां बैठे हुए हैं। इस पूरे बीच में ना 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है नीला पानी है, नीला ही पानी होगा यहाँ पे, तो दूर से नीला ही दिख रहा है। देखिए इतना नीट एंड क्लीन है ना, और कोई डर भी नहीं है, इसमें वेव ज़्यादा तेज़ भी नहीं आ रही, आ रही है ना खुद अकेले खेल रही है, हमने उसे फ्री छोड़ रखा। इस बीच का फ़ायदा ये है यहाँ पर बैक वाटर भी है, तो वो रिवर वाटर है बेसिकली, तो उसमें अब हम लोग नहा भी सकते हैं। बीच में जो समुद्र का खारा पानी होता है ना, जो बॉडी में लग जाता है नमक, अब उसके बाद हम वो साफ भी कर सकते हैं यहाँ पे, इतना अच्छा है। बेटा कोई भी डे, और पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कोलवा जाएंगे, लेकिन कोलवा मैंने काफ़ी लोगों से पूछा ना क्राउडेड है और कॉमन है, तो अब हम लोग जा रहे हैं अगोंदा बीच जा रहे हैं और वहाँ देखते हैं कैसा है। मैंने भी देखा नहीं, सुना है उसके बारे में कि सुंदर है बहुत। अभी ऑफ सीजन हो गया ना, तो ये शैक्स हैं, यहाँ पे शैक्स लगते हैं पूरे, ये सब बंद हो गए हैं, और वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वो सब बंद हो चुके हैं। तो जो 200 मीटर नीचे आए थे, अब 200 मीटर ऊपर जाना है, और यहाँ से व्यू इतना सुंदर। एक बात बोलूँगा, यहाँ की रोड मक्खन नहीं है। तो ये है सनसेट वाला एरिया, तो यहाँ पे होगा सनसेट, और सामने क्लिफ देखिए कैसे कैसे पहाड़ है ना, ऐसे फोकट्स में होते हैं पहाड़। तो बीच में आने का कोई चार्जेस नहीं है, और कोई पार्किंग भी नहीं है, फ्री है। और कैलंगुट से ये लगभग 77 किलोमीटर्स पड़ा था, 2 घंटा लग गया हमको आने में। कोशिश करें आप 3 बजे निकलने, अगर आप नॉर्थ गोवा में है ना, तो 5 बजे आ जाएंगे, 5:30 बजे तक, 6 बजे तक इन्जॉय कर लीजिए, उसके बाद सनसेट इन्जॉय करें। देखिए सामने ना सी दिख रहा है, और हमसे भी ऊपर है, पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, ये लाइन जो दिख रही है ना, जो एक लाइन दिख रही है ना बीच में, ये सी की है, इतना ऊंचाई पे दिख रहा है सी की। अब हम नीचे जा रहे हैं, अगोंदा बीच भी ना हमारे इस बीच से लगभग 17-18 मिनट दूर है, तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी 7-8 मिनट बचे हुए हैं। और यहाँ का रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, रास्ते में कई बीच आ रहे हैं, जैसे कोला बीच आ रहा है। अगोंदा बीच जो है ना, इसका सनसेट बहुत फेमस है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं सनसेट से पहले पहुँच जाएँ, और अभी 5-6 मिनट बचे हुए हैं बस पहुँचने वाले हैं जस्ट हम। यार एक बात है, लोग वैसे कहते हैं ना साउथ गोवा वैसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि साउथ गोवा में ना हैपनिंग नहीं है ज़्यादा, क्राउडेड नहीं, बट यहाँ के बीचेस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे ना, तो साउथ गोवा ही रहेंगे, नॉर्थ गोवा एक आध बार जाएंगे बस। ये रोड से ना कच्चा रास्ता जाता है ऊपर को, ये अब इसके बाद 1 किलोमीटर और है यहाँ से, और ये भी अमेजिंग प्लेस है यार, ब्यूटीफुल प्लेस, देखिए कितना अच्छा सराउंड है ना, सराउंडिंग कितनी सुंदर है, पतली पतली रोड्स है और दोनों तरफ कोकोनट ट्रीज हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, तो बीच में से गली से निकलना है, ये शॉर्टकट है शायद, बीच का रास्ता है ये। थैंक यू। तो ये भी रूम्स हैं, कुछ होटल्स हैं छोटे छोटे। हम लोग सही टाइम पे आ गए, बस आधे घंटे में सनसेट हो जाएगा, बहुत सुंदर व्यू है। ये बहुत लंबा बीच है, अगोंदा बीच जो है ना स्पेशली बहुत लंबा बीच है, करीबन 1 किलोमीटर का होगा ये पूरा बीच। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अभी कुछ भी नहीं हो रही है, सीजन ऑफ हो गया है, शैक्स भी सब बंद है यहाँ पे, ये सब होटल्स हैं, जो भी छोटे छोटे रिजॉर्ट्स हैं ना, सब बंद है अभी फिलहाल, मोस्टली बंद है, बहुत कम टूरिस्ट हैं यहाँ पे। क्या बोलो बोलो बोलो, टूट रहा है। तो ये है अगोंदा बीच, और बहुत सुंदर व्यू है, देखिए बहुत लंबा बीच है, दूर दूर तो बहुत कम लोग हैं। 5 to 10 मिनट्स में ना सनसेट होने वाला है, और वही देखने हम आए हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल बहुत है वेदर, कितना ब्यूटीफुल है ना, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। अब हमारा जाने का टाइम हो रहा है गोवा से, और बारिश आने का टाइम हो रहा है। अब गोवा में कल हमारा फुल डे है, एक लास्ट डे है, फिर परसों तो हमने चले, परसों 8 तारीख को हम लोग गोवा से चेकआउट कर लेंगे। और पहले ना वेदर फॉरकास्ट ये था कि 4, 5, 6 और 7 तारीख को चारों दिन यहाँ पे, 8 तारीख को भी यहाँ पे बारिश होनी थी, लेकिन उल्टा हो गया, 10 या 9 तारीख से बारिश आएगी, वेदर चेंज होने वाला है। देखो यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं लोग, क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। देखो कितने अच्छे हैं।
चलो आओ 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 चलो आओ दोनों चलो चलो तो सामने देखिए बीच के सामने बिल्कुल एक सिमरोर रिजॉर्ट है और 3500 रुपीज इसका चार्जेस है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, 77 किलोमीटर में दूर जाना है। भाई दोनों बीच ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप भी आए, हिडन जैम है दोनों, और काफ़ी अच्छा लगा हमें साउथ गोवा आके। साउथ गोवा सीरियसली बहुत सुंदर, हम कल भी ट्राई करेंगे, साउथ गोवा ही जाएंगे। एक बटरफ्लाई बीच है कहते हैं, यहाँ से काफ़ी ट्रैक करना पड़ता है नीचे ऊपर ना, काफ़ी ट्रैक है उसमें, तो आना तो उतना जारी रहेगी, पर ट्राई करते हैं। उसके लिए बोट्स जाती हैं, उसमें भी 2500 या 2000 या 2500 रुपये समथिंग उसका चार्ज है। ट्राई करते हैं, अगर कल वो कवर हो जाएगा तो कर लेंगे। हम लोग वापस पार्किंग पे जा रहे हैं और हमारे सिवा ना यहाँ पर कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग होंगे बीच में, 100 लोग होंगे मैक्स टू मैक्स रिजॉर्ट के मिलाकर। देखो सामने अंधेरे में ना रिवर में कोई मच्छी पकड़ रहा, रात को टॉर्च जला के कितनी दूर से दिख रहा है।